नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है और कौटिल्य से संबंधित मेरा ये सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों, कौटिल्य से संबंधित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में यूनिट सेकेंड और नाइन्थ में वर्णित है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस में कौटिल्य से संबंधित यूनिट थर्ड में वर्णित किया गया है, तो उन सभी के लिए भी ये लेक्चर फायदे होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में कौटिल्य के प्रमुख सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य का यह सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सप्तांग मतलब सात अंग। तो कौटिल्य के अनुसार राज के सात आवश्यक तत्व होते हैं, उन्हें वह राज की प्राकृतिक भी कहता है और अंग भी। किन्हें? जो सात अंग हैं उनके, राज के सात अंगों के साथ राज की प्राकृतिक के संबंध में कौटिल्य का सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। तो आप परिभाषा समझ पा रहे हैं कि सप्तांग सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ। तो इसमें सात अंग हैं, राज के सात आवश्यक तत्व होते हैं, उसे ही कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत नाम से वर्णित किया है। सेकेंड पॉइंट है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के षष्ठम अधिकरण के प्रथम अध्याय, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है वन लाइनर में, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के षष्ठम अधिकरण के प्रथम अध्याय में क्या वर्णित है। तो राज के सातों अंगों का उल्लेख किया गया है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। तो दोस्तों, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में जो सात अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं और उस अंग को क्यों जोड़ा गया है और क्या महत्व है, उनके बारे में जानेंगे। तो प्रथम अंग है स्वामी। स्वामी के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि स्वामी या राजा राज्य का केंद्र और प्रधान होता है। कौन? स्वामी। स्वामी जो है राज्य का केंद्र भी हो और प्रधान भी होता है। आगे कहते हैं कि राज्य की सफलता राजा के चारित्रिक गुणों एवं नीतियों पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर आप हम सब समझ सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र का राजा, अगर उनका चारित्रिक गुण अच्छी है, तो निश्चित तौर पर उस देश को आगे बढ़ने में बहुत मददगार मिलता है। साथ ही कौटिल्य कहते हैं कि राजा को स्पष्ट एक बहुत ही ज्ञानी होना चाहिए, साथ ही राजा को कुलीन, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, विवेकी, दूरदर्शी, कृतज्ञ, चतुर आदि होना चाहिए। तो प्रथम जो उनका सप्तांग सिद्धांत में पहला जो स्वामी है, स्वामी को उसने इसी रूप में वर्णित किया है। उनके बाद सेकेंड जो तत्व है सप्तांग सिद्धांत में, अमत्य जो वर्तमान समय में मंत्री परिषद से संबंधित है। तो दोस्तों, अमत्य में कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार से एक रथ बिना पहिए के एक पहिए से नहीं चल सकता है, उसी प्रकार सिर्फ राजा से राज नहीं चल सकता है। उनका कहना है कि मंत्री परिषद में जितने भी राजा के मंत्री कर्मचारी हैं, सभी को सुचारू रूप से शासन उनके अलावे नहीं चलाए जा सकते हैं, इसलिए मंत्री परिषद सभी को साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। उनके बाद नेक्स्ट जो अंग हैं जनपद। जनपद के बारे में जो उनके तीसरे आवश्यक तत्व हैं सप्तांग सिद्धांत में, कि भू प्रदेश से नहीं बल्कि राज्य के निवासी या जनसंख्या से है। जनपद में वो कहते हैं कि ये कोई भू प्रदेश से राज्य से नहीं है लेकिन राज्य के निवासी से हैं, क्योंकि कौटिल्य ने
कहा है कि जनता के अभाव में जनपद की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो जनपद की कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। उनके बाद जो कोटिल का फोर्थ जो अंग है सप्तांग सिद्धांत में, वो है दुर्ग। दुर्ग दुर्ग में उसने कहा है कि दुर्ग का तात्पर्य है कि राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग अति आवश्यक है। बिना दुर्ग के राज्य सुरक्षा नहीं रहा सकता है। तो उसने कोटिल ने दुर्ग को भी चार प्रकार में बांटा है, औधक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, दावन दुर्ग और वन दुर्ग। तो आपको उतना विस्तृत नहीं जाना है, लेकिन दुर्ग का मतलब आपको स्पष्ट समझ में आना है कि राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग अति आवश्यक है। उनके बाद जो फिफ्थ इनका अंग है सप्तांग सिद्धांत का, कोष। कोष के बारे में कहते हैं कि राज्य की कार्य क्षमता और प्रगति जो है उनके कोष पर निर्भर करता है। बिना कोष के राज नहीं चल सकता है। उनके बाद नेक्स्ट अंग जो है दंड है। दंड का मतलब है, दंड का अर्थ है सेना। सेना नहीं होगा, सेना का अंतर्गत जो हाथी है, घोड़े है, रथ, पैदल जो चतुर्गिनी सेनाएं आती है, ये सभी राज्य की सुरक्षा के लिए प्रमुख साधन होते हैं। तो दंड भी होना अति आवश्यक है। उनके बाद जो लास्ट इनके सप्तांग सिद्धांत में है मित्र, तो उसमें कहते हैं कि राज्य की उन्नति के लिए तथा उत्पत्ति के समय, आज़ादी के समय, उत्पत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता जरूरी होती है। तो इसने सप्तांग सिद्धांत में आपने जान चुके कि सात अंग कौन कौन से हैं, आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। स्वामी, अमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं। तीन ऑप्शन दे दिया जाएगा कोटिल के सप्तांग सिद्धांत में, स्वामी, अमत, जनपद, एक अलग दे दिया जाएगा कौन नहीं है। तो आपको ये याद आपको रखना है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, कोटिल का मानना है कि इन सभी सातों अंगों के परस्पर सहयोग से ही राज्य का संचालन सुचारू रूप से होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और आगे कहते हैं, यह कहा जा सकता है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह कहा जा सकता है कि यहाँ आधुनिक काल में संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है। कोटिल ने इनकी चर्चाएं नहीं की है। इसे उत्तर में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक राज्य का ऐसा कोई तत्व नहीं है जो अर्थशास्त्र में नहीं पाया जा सकता है। तो इनके आलोचना किया गया है कि जो वर्तमान समय में संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, भूभाग राज्य को बांटते हैं कि राज्य में ये चार आवश्यक तत्व हैं, लेकिन कोटिल ने चर्चा नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसमें वर्णित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये कहा जा सकता है, यह भी कहा जा सकता है कि दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के आवश्यक तत्व नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि इनके बिना भी राज्य अस्तित्व में रह सकता है। आलोचक ये बात कहते हैं कि कोटिल जो वर्णित किया है अपने सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग, कोष, सेना, मित्र का, वो नहीं भी रहेंगे तो राज उनके बिना भी राज अस्तित्व रह सकता है। लेकिन दुर्ग, कोष, सेना और मित्र आज राज की आवश्यकता तो भले न हो, फिर भी राज की सुरक्षा, कार्य कुशलता और प्रगति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि उनके सप्तांग सिद्धांत के जितने भी सात अंग हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। लास्ट में निष्कर्ष तौर पर इस सप्तांग सिद्धांत में कहा जा सकता है कि कोटिल का सप्तांग सिद्धांत आधुनिक समय के लिए संगत प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, राज जैसे अमूर्त धारण को स्पष्ट, निश्चित और मूर्त करने के लिए कोटिल जितना सफल रहा, उतना आधुनिक चिंतक भी नहीं हुए। तो निष्कर्ष में ये बात कहे जा सकते हैं। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जा सकता है कि इस प्रकार राज के तत्वों का विस्तृत वर्णन कर कोटिल ने व्यवहारिक राजनीति के प्रति सिर्फ अपनी पैनी निगाह का ही परिचय नहीं दिया है, अपितु राज जैसी अमूर्त, निराकार और भावनात्मक धारणा को मूर्त, स्पष्ट और निश्चित करने का प्रयास भी किया है। तो दोस्तों खासकर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपको होलिस्टिक रूप से
ये ज़्यादा जोर आपको याद रखना है इनके सप्तांग सिद्धांत के सात जो अंग हैं, विशेष तौर पर आपको ये याद रखना है। और सप्तांग सिद्धांत कहाँ पर वर्णित है ये याद रखने हैं, और सप्तांग सिद्धांत किसने लाया ये तो आप जान ही रहे हैं कि कोटिल ने इसका सप्तांग सिद्धांत को वर्णित किया है। तो आपको इस ऐसे ही मद्देनज़र रखते हुए आपको एग्ज़ाम बेसिस पर याद रखने हैं। साथ ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा या आएगा कि मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अपने जितने भी साथी हैं जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।